क्या तो दोस्तों, अगर आप कोई नया 5G स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं और आपका बजट है थोड़ा दोस्तों कम, तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जिनकी कीमत दोस्तों 20,000 रुपये से भी कम है और आपको 5G कनेक्टिविटी देते हैं। साथ ही दोस्तों इन स्मार्टफोन में आपको उनका कैमरा, उनकी डिस्प्ले, उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी कमाल की देखने को मिल जाएगी। वैसे तो दोस्तों इन स्मार्टफोन की कीमत 18,000 से भी कम है, लेकिन 18,000 थोड़ा ऑड सा लगेगा, तो 20,000 से कम की कीमत वाले बेस्ट स्मार्टफोन आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10T 5G। दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत है सिर्फ 16,999 रुपए इसके 6GB वाले वेरिएंट की। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और इसके अंदर दोस्तों प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700। और वहीं दोस्तों बैक में इसमें ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप है 48 के प्राइमरी सेंसर के साथ। दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, डिजाइन भी आपको इसका बैक का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमारा पोको की तरफ से होगा, पोको M3 Pro 5G। दोस्तों स्मार्टफोन में भी आपको 6.5 इंच की ही फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी के 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ भी आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत है सिर्फ 15,999 रुपये। दोस्तों आज मैं इनकी स्पेसिफिकेशन की डिटेल में बात नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ आपको सस्ते वाले 5G स्मार्टफोन बता रहा हूँ जो इंडिया में सबसे सस्ते में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बात करें दोस्तों अगले स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों हमारा रियलमी की तरफ से होगा Realme X7। इसकी कीमत है दोस्तों 19,999 रुपये। इसके अंदर दिया गया है दोस्तों मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर। साथ ही दोस्तों इसके अंदर 4310 mAh की बैटरी के साथ 50 वोल्ट का एक बड़ा फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। कीमत मैंने आपको बता दी 19,999। तो अगर आप 20,000 से कम की कीमत में 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और सबसे अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो Realme X7 एक कमाल का स्मार्टफोन है। डिजाइन अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है, गेमिंग परफॉर्मेंस तो इसकी कमाल की आपको देखने को मिलती है। नहीं दोस्तों, हमारा अगला स्मार्टफोन अब होगा IQ की तरफ से, IQ Z3 5G। दोस्तों ये एक नया स्मार्टफोन है IQ की तरफ से, जिसकी कीमत है दोस्तों 19,990 रुपये। साथ ही दोस्तों इसके अंदर भी आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर है कॉलकॉम का प्रोसेसर, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 768 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, डायमेंसिटी 800 के बराबर ही आपको देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों इसमें बैक पे प्राइमरी सेंसर 64 MP का है, फोटोग्राफी भी इसकी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों ये एंड्रॉइड 11 पर काम करता है। स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, डिजाइन काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों IQ के स्मार्टफोन को इतना पसंद नहीं करा जाता है इंडिया में, क्योंकि दोस्तों इनकी जो सिक्योरिटी पैच है ये सब है वो इतने अच्छे नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रेफर नहीं करूंगा कि आप इसी स्मार्टफोन की तरफ जाएं, आप लिस्ट में कोई भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अच्छा स्मार्टफोन है IQ Z3, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको देखने को इसके मिल जाती है। माई लिस्ट में दोस्तों अगला और आखिरी स्मार्टफोन होगा Realme 8 5G। दोस्तों एक नया 5G स्मार्टफोन तो नहीं है, लेकिन ये पुराना है तो कमाल का भी है। इसके अंदर दोस्तों आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ साथ मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में बैक पे प्राइमरी सेंसर 48 MP का है, तो फोटोग्राफी भी स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है। और कीमत दोस्तों स्मार्टफोन की है सबसे कम सिर्फ 14,499 रुपये में, आपको 5G कनेक्टिविटी देने वाला, बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला स्मार्टफोन Realme 8 5G है। दोस्तों कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इतने खास इसके स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो अगर आप मैं लिस्ट में से कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन आपको बताऊं, तो दोस्तों वैसे तो Realme का काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है Realme X7, उसकी कीमत आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको सबसे सस्ते में लेना है तो आप Realme 8 की तरफ जाएँ, अगर आपको सबसे अच्छा लेना है 20,000 की रेंज में तो आप Realme X7 की तरफ जाएं। वैसे तो और भी स्मार्टफोन हैं जो 5G भी नहीं देते, कमाल की परफॉर्मेंस आपको उनके अंदर देखने को मिलती है, उसकी वीडियो मैं अलग से आपको बनाऊंगा। उसमें आप देख सकेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है 20,000 की रेंज में। उसमें आपको 5G भी होंगे और non-5G भी होंगे, वो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और जल्दी आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।